अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो इस लाल सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और साथ ही इस बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 1.6 सॉल्व करूंगी, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सवाल है आपके पास, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो है वो टोटल 10 पार्ट्स हैं सवाल में, और यहाँ आपको जो है वो हर सवाल में या हर पार्ट में जो है वो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, इन कॉम्प्लेक्स नंबर के दरमियान में आपको जो है वो यहाँ पे बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशंस दिए हुए हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, आपने जो है वो इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है यहाँ पे, या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि आपने जो है वो इन कॉम्प्लेक्स नंबर को सवालों के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो भी यहाँ पे ऑपरेशंस दिए हैं उनके अकॉर्डिंग जो है ऐड भी करना है, सबट्रैक्ट भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो ये चीज़ आप देख लेंगे किस तरीके से आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो यहाँ पर हम दो ऑपरेशंस देख लेंगे। यहाँ पर हेडिंग है आपके पास बेसिक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो चार आपके पास जो है वो बेसिक ऑपरेशंस है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो दो जो है वो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी और उनसे रिलेटेड जो है हम सवाल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले है आपके पास एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन जो है वो किस तरीके से आप कर सकते हैं। सबसे पहले है यहाँ पर Z1 + Z2। ठीक है, Z1 जो है वो मैंने लिख दिया a + iota b, Z2 आपके पास है c + iota d। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये सेकेंड। तो ये इस तरीके से आप यहाँ पे देख लें इसको, Z1 + Z2 आपके पास हो जाएगा। ये Z1 की वैल्यू है, ठीक है, ये आपके पास Z2 की वैल्यू है। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो किस तरीके से देखें, जो फर्स्ट ब्रैकेट है आपके पास ये एज इट इज़ ओपन हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट जो आपके पास ब्रैकेट है उससे बाहर आपके पास जो है वो पॉजिटिव साइन है, तो इस प्लस साइन के साथ आप इसको मल्टीप्लाई करते हुए ओपन कर देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा +c n+++iota d। अब देखें नेक्स्ट यहाँ पर मैंने क्या चीज़ की है, दो टर्म्स आपके पास जो है वो आयोटा वाली हैं और दो टर्म्स आपके पास जो है वो फ्री ऑफ आयोटा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फ्री ऑफ आयोटा है उन्हें आप एक साइड पे कर लें और आयोटा वाली टर्म्स को जो है वो आपने एक साइड पे कर लिया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आप इसको a + c को विद इन ब्रैकेट कर देंगे, इन दोनों टर्म्स में से आपके पास जो है वो आयोटा कॉमन चला जाएगा, तो आ जाएगा आपके पास b + d। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास क्या आ गई, a + c, एंड ये आपके पास क्या आ गया, b + d। यहाँ पे देखिए ये चीज़ जो है वो आपके पास आयोटा के साथ थी। ठीक है, रियल एंड इमेजनरी पार्ट। अब इस चीज़ को आपने जो है वो ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिख दिया, a + c, b + d। ठीक है, ये दो अलग अलग फॉर्म्स हैं, ये आयोटा के साथ है आपके पास रिजल्ट और ये आपके पास जो है वो ऑर्डर पेयर फॉर्म में। ठीक है, इट मीन्स कि जब आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो रिजल्ट आपके पास आता है ये a + c, b + d, यानी कि रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट में जाकर ऐड होगा और इमेजनरी पार्ट जो है वो इमेजनरी पार्ट में ऐड होगा। ठीक है, ये चीज़ आप जहन में रखिएगा कि जब आप ये इस तरीके से जो है वो यहाँ पे मैंने ऑर्डर पेयर फॉर्म में इस चीज़ को लिखा हुआ है कि जब आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, ये। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जिस तरीके से आपने एडिशन परफॉर्म किया इसी तरीके से जो है वो आप सब्ट्रैक्शन भी देख लें, Z1 - Z2। ठीक है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन है तो ये आ गया आपके पास Z1, ये आ गया बीच में माइनस और ये आ गया आपके पास Z2। अब इस माइनस से जो है वो उस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दें आप, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस फर्स्ट ब्रैकेट जो है वो एज इट इज़ ओपन हो जाएगा और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, -c + -d iota d। ठीक है, ये आपने माइनस के साथ इस पूरे ब्रैकेट को ओपन कर दिया। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी आप जो है वो फ्री ऑफ आयोटा वाली टर्म एक साइड पे कर लेंगे और आयोटा वाली टर्म्स जो है वो एक साइड पर हो जाएंगी, तो ये आपके पास आ जाएगा ब्रैकेट में a - c। यहाँ से आप जो है वो आयोटा कॉमन ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा b - d। ठीक है, ये आपके पास रिजल्ट आ गया। अब आप इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं, a - c, क्योंकि जब आप ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखते हैं तो वो फ्री ऑफ आयोटा होता है। ठीक है, ये आ गया आपके पास a - c और ये आ गया आपके पास b - d पूरा ब्रैकेट, ये a हो गया, ये b हो गया आपका। ठीक है, इसको भी आप जो है वो इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब आपने ऑर्डर पेयर फॉर्म में, ठीक है, ऑर्डर पेयर फॉर्म में आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, जब आप उन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करने पे आपके पास रिजल्ट क्या आ जाता है,
ए माइनस सी एंड बी माइनस डी, यानी कि आपके पास रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट होगा और इमेजनरी पार्ट जो है वो इमेजनरी पार्ट से सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें जो है वो आपने अपने जहन में रखनी है, एडिशन के भी हवाले से और सब्ट्रैक्शन के भी हवाले से। ठीक है, ये आपका एक्सरसाइज 1.6 आ गया, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट आपके पास ये रहा। ठीक है, ये आपका जो है वो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो सबसे पहले हम इसको जो है वो यहाँ पे किस तरीके से लिख सकते हैं, इनको सबसे पहले आप डिनोट कर दें कि जेड वन आपके पास क्या आ जाएगा, ये, एंड जेड टू आपके पास क्या है यहाँ पे। ठीक है, ऑर्डर पेयर फॉर्म में आपको दिया हुआ है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे रेफरेंस दे देंगे। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास इस तरीके से ऑर्डर पेयर फॉर्म में है, ठीक है, तो आप उन्हें किस तरीके से जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, ये आप इस तरीके से यहाँ पे रेफरेंस दे देंगे, तो देयर फोर आपके पास जो है वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन इसी तरीके से आ जाएगी, ए प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ए क्या आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखें इस चीज़ को आपने सबसे पहले जेड वन ले लिया, या आपके पास जेड टू हो गया। ठीक है, दो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए, उसके बाद आपने जो है वो इस तरीके से रेफरेंस देना है कि अगर आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया तो ऐड करने पर वो किस तरीके से आपके पास रिजल्ट शो करेंगे, इस तरीके से ए प्लस सी एंड बी प्लस डी फॉर्म में। ठीक है, तो फिर यहाँ पर आप देयर फोर करके इस तरीके से लिखेंगे जेड वन प्लस जेड टू इज इक्वल टू, अब जो भी आपके पास जेड वन की वैल्यू है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, बीच में आ जाएगा आपके पास प्लस का साइन, एंड जेड टू आपके पास है ये। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप क्या करेंगे, किस तरीके से आ जाएगा आपके पास रिजल्ट, ए प्लस सी, ये आपके पास ए है, ये बी है, ये सी और ये डी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो आपने इनको ऐड करना है, यानी कि रियल पार्ट रियल पार्ट से ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 9, और इमेजनरी पार्ट जो है वो इसमें जाकर ऐड हो जाएगा इमेजनरी पार्ट में, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो होगा 9 और 3 12, 2 एंड 3 5, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपने जो है वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है। नेक्स्ट है आपके पास सेकंड पार्ट, यहां पर भी देखें सबसे पहले जो है वो आप इसी तरीके से लिखेंगे कि जेड वन आपके पास है ये, एंड जेड टू आपके पास है ये चीज। ठीक है, आप इसी तरीके से जो है वो आप यहाँ पे रेफरेंस देंगे, क्योंकि अगेन आपके पास जो है वो प्लस साइन है। फिर देयर फोर करके आप क्या लिखेंगे, ये देखें यहां पर अब आपके पास जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, जेड वन प्लस जेड टू इज इक्वल टू। ठीक है, आपने जो है वो इनको ऐड करना है, जेड वन आपके पास है 3/2 और जेड टू आपके पास क्या है 2/3 एंड 3/2। ठीक है, अब आपने जो है वो इनकी एडिशन करनी है, तो किस तरीके से आ जाएगा रिजल्ट, ये देखिए, ये आपका ए है, ये बी, ये सी एंड ये डी। ठीक है, तो ये ए जो है वो किस में ऐड हो जाएगा, जाके सी के साथ, और बी जो है वो डी के साथ। ठीक है, यहां पर देखिए अब आपके पास जो है वो होल नंबर नहीं है जिन्हें आप इजीली ऐड कर लेंगे, यहाँ पर आपके पास जो है वो फ्रैक्शन में, तो आपने थोड़ी सी मेहनत यहाँ पर करनी है। देखें, जब भी दो फ्रैक्शन हो उनके दरमियान प्लस या माइनस का साइन हो, तो आप ऐसी कंडीशन में एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो 2 और 3 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा 6। ठीक है, 3 2s आ जाएगा आपके पास 6।
तो इस तरीके से ये एलसीएम आपने यहाँ पे ले लिया। एलसीएम लेने के बाद आप देखिए न्यूमरेटर में आप किस तरीके से जो है वो इस चीज़ को लिखेंगे। टू के टेबल में देखें सिक्स कब आता है, थ्री टाइम्स, तो इस थ्री से आप इस थ्री को मल्टीप्लाई कर दें, और इसी तरीके से थ्री के टेबल में सिक्स कब आता है, टू टाइम्स, थ्री टू ज़ा सिक्स, तो जो टू यहाँ पर आप इस तरीके से लिखेंगे वो ऊपर आप लिख दें, तो ईजीली जो है वो आप न्यूमरेटर फिल कर सकते हैं। थ्री थ्री ज़ा क्या आ जाएगा आपके पास, नाइन, एंड टू टू ज़ा आ जाएगा आपके पास फोर। ठीक है, एलसीएम के मैं बहुत से मेथड जो है वो सिखा चुकी हूँ उससे पहले। यहाँ पर भी देखें थ्री और टू का एलसीएम लेंगे तो सिक्स आ जाएगा आपके पास। अब थ्री के टेबल में सिक्स कब आएगा, डिनोमिनेटर को देखना होता है आपने। ठीक है, थ्री के टेबल में सिक्स कब आएगा, टू टाइम्स, तो इसी टू से जो है वो आप ऊपर वाले टू को मल्टीप्लाई कर देंगे या ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर है आपके पास डिनोमिनेटर में टू, तो टू के टेबल में सिक्स कब आता है, थ्री टाइम्स, इसी थ्री से जो है वो आप ऊपर वाले नंबर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा टू टू ज़ा फोर, एंड ये हो जाएगा थ्री थ्री ज़ा नाइन, और रिजल्ट आ जाएगा आपके पास नाइन एंड फोर कितने हो जाएंगे आपके पास, थर्टीन। दोनों वैल्यूज जो हैं वो आपके पास सेम आ रही हैं। ठीक है, दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड पार्ट। बिल्कुल इसी तरीके से जो है वो आपने इस चीज़ को भी लिखना है यहाँ पे। ये आपके पास Z1 है, और ये आपके पास जो है वो Z2 है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो आप ठीक है इस तरीके से आप जो है वो सब्ट्रैक्शन का रेफरेंस देंगे यहाँ पे, कि अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट आपके पास जो है वो इस तरीके से आएगा। ठीक है, या आपके पास जो रिजल्ट बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। तो देयर फोर करके आप लिखेंगे कि Z1 माइनस Z2, Z1 आपके पास क्या है यहाँ पे, 2xy 5y² माइनस Z2 है आपके पास 1/2xy 6y². ठीक है, इसी तरीके से आपने रियल पार्ट से रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट करना है। और इसी तरीके से इमेजिनरी पार्ट को आपने जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास जो है वो फ्रैक्शन आ गया, ये आपके पास जो है वो होल फॉर्म में है। तो अगर आपके पास फ्रैक्शन आ जाएगा तो आपने फ़ौरन से जो है वो वहाँ पे एलसीएम परफॉर्म करना होगा। यहाँ पे देखें इसके डिनोमिनेटर में आपके पास कुछ नहीं है, तो सपोज़ वन है, वन और टू का अगर आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास एलसीएम टू ही आएगा। ठीक है, अब वन के टेबल में टू कब आता है, टू टाइम्स, तो इस टू से जो है वो आप ऊपर वाले नंबर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे या ऊपर वाले नंबर को भी आप टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास टू टू ज़ा फोर एक्स वाई माइनस टू के टेबल में टू कब आएगा, वन टाइम, तो वन वन सा हो जाएगा वन, वन आप लिखते नहीं है, तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स वाई। यहाँ पे सिंपल आप जो है उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस, सिक्स में से आप फाइव माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा वन वाई स्क्वायर, वन आप लिखते नहीं है, और साइन आ जाएगा बड़े नंबर का जो कि है माइनस। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, फोर में से आप वन माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा थ्री एक्स वाई। ठीक है, दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। आप इस तरीके से पूरा जो है वो लाइन को एक्स वाई तक भी ले सकते हैं, और चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, नंबर को मैंने अलग कर दिया, कोफिशेंट को, वेरिएबल्स को अलग, या अगर आप पूरी लाइन भी इस तरीके से लगा देंगे तो उसमें भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास फोर्थ पार्ट। बहुत इजीली जो है वो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर आपने जो है वो उनके दरमियान फाइंड करना है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के दरमियान, तो बहुत इजीली जो है वो आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक
ठीक है, यह आपका Z1 हो गया, यह आपका Z2 हो गया, रियल पार्ट में से आप रियल को माइनस कर देंगे एंड ये हो जाएगा 12 माइनस माइनस 9, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस माइनस 15 में से जो है वो आप 10 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा एंड ये हो जाएगा आपके पास माइनस माइनस प्लस 9, 12 एंड 9 हो जाएगा आपके पास 21 एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, आपने इस चीज़ को नहीं देखना, इस चीज़ के अकॉर्डिंग जो है वो आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है ए माइनस सी, ये आपका ए है, ये बी, ये सी एंड ये डी। इस तरीके से आप पेंसिल से लिख लें तो आपके लिए जो है वो आसानी हो जाएगी। इसके अकॉर्डिंग आपने जो है वो जो भी करना है वो उसके अकॉर्डिंग करना है। ए माइनस सी तो आप 15 में से 10 को माइनस करेंगे, यह आ गया बीच में कॉमा। फिर है आपके पास बी माइनस डी, तो 12 आ जाएगा, यह आ रहा है माइनस का साइन और डी आपके पास है माइनस का 9। ठीक है, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और फिर इस तरीके से जो है वो आपका ये रिक्वायर्ड रिजल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास फिफ्थ पार्ट, यहाँ भी वैल्यूज आपको जो है वो फ्रैक्शन में दी हुई हैं। Z1 है आपके पास, और Z2 आपके पास ये ब्रैकेट है। ठीक है, ये आपने Z1 माइनस Z2 इस तरीके से लिख दिया। अब आपने क्या कर दिया, A में जो है वो C, ए के साथ जो है वो सी को सब्ट्रैक्ट कर दिया और बी के साथ जो है वो आपने डी को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो देखें ये जो है वो, ठीक है, ये प्लस 4/5 और ये माइनस 4/5 दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा 0। नेक्स्ट देखें, यहाँ पर आपके पास जो है वो दो फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, इन फ्रैक्शंस को जो है वो आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपने जो है वो सबसे पहले एलसीएम परफॉर्म करना होगा। 15 और 10 का जो है वो आप एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आपके पास आ जाएगा 2 3 6 एंड 6 5 30। अब देखें यहाँ पे जो भी चीज़ आपने लिखनी है वो किस तरीके से लिखेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैंने अभी आपको बताई है। 15 के टेबल में 30 कब आएगा, 15 2 ज़ा, तो इसी 2 से जो है वो आप ऊपर 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे, और 10 के टेबल में 30 कब आएगा, 3 टाइम्स, तो 6 से आप जो है वो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 8 2 16 माइनस एंड ये हो जाएगा आपके पास 6 3 18। प्लस माइनस माइनस 18 में से जो है वो आप 16 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 2। माइनस का 2 इसलिए आएगा क्योंकि 18 का साइन जो है वो बड़ा है। ठीक है, 18 यहाँ पे बड़ा नंबर है, 18 का साइन माइनस है, तो इसलिए रिजल्ट में माइनस साइन लगेगा। नीचे आ जाएगा आपके पास 30, 2 1 2 2 1 2 एंड 2 5 10। ठीक है, दोनों एक ही टेबल में आ रहे थे इसलिए जो है वो यहाँ पे मैंने इसको कैंसिल कर दिया या थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई होने पे आपके पास आ जाएगा रिजल्ट -1/15 एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो चलिए यहीं पे मैं अपनी वीडियो को एंड करना चाहूँगी, इसी उम्मीद के साथ कि जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे से आपकी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।